من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الملك القدوس العزيز الحكيم هو الذي أنزل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون والصلاة والسلام والتحية والإكرام على أشرف النبيين وخاتم المرسلين سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه المبين بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس صلوات عزیزان محترم، سورہ والناس کی تلاوت کا شرف حاصل کیا گیا ایک آیت کو چھوڑ کر۔ کل گفتگو جس مرحلے پہ رکی تھی ہم اس مرحلے سے متصل ہوں گے، لیکن کچھ باتیں اپنے سننے والوں کی خدمت میں پیش کر دوں۔ مسئلہ یہ ہے کہ اللہ شر کا خالق نہیں ہے، وہ فقط خیر کا خالق ہے۔ اور یہ تعلیم ہمیں آل محمد نے دی ہے۔ کہ پروردگار فقط اور فقط خیر کا خالق ہے، شر کا خالق نہیں ہے۔ تو یہ شر آتا کہاں سے؟ یہ سوال تو ہے نا کہ یہ شر آتا کہاں سے؟ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ پروردگار نے ایک شے خلق کی اور اس کے مقابلے پہ ایک شے اور بنائی، دو چیزیں بنائی، ایک زمین بنائی اور ایک آسمان بنایا۔ اب آسمان سے زمین پر بیچ میں اگر کوئی شے آ جائے تو سایہ آئے گا یا نہیں؟ سایہ تو آئے گا، سایہ کا آنا تو یقینی ہے نا۔ یہ سایہ پروردگار نے خلق نہیں کیا، خود آیا ہے۔ تو اب شر کا مفہوم سمجھ میں آیا؟ شر خود بخود آ جاتا ہے۔ اب میں نے یہ سورہ مبارکہ جو آپ کی خدمت میں پیش کیا، ترجمہ کل بھی میں نے عرض کیا تھا، ترجمہ آج بھی عرض کر دوں تاکہ ایک لفظ کی وضاحت ہو جائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الناس، میں پناہ چاہتا ہوں، رسول کہو کہ میں پناہ چاہتا ہوں اللہ کی جو رب الناس ہے، ملک الناس،
इंसानों का बादशाह है, एलाही नास इन इंसानों का अल्लाह है। कुल औज़ु बिरब्बिन नास मलिकिन नास एलाही नास, किस चीज से पनाह चाहता हूँ? मिन शर्रिल वसवास, वसवसे के शर से। मिन शर्रिल वसवासिल खन्नासिल लज़ी, उस शर करने वाले के शर से जो चुपके से दिल में शर डाल देता है। मिन शर्रिल वसवासिल खन्नासिल लज़ी यो वसवसो फी सुदूरिन नास, और वो हर इंसान के सीने में वसवसा करता है। मिनल जिन्नते वन्नास, ये शर डालने वाले, सीने में शर डालने वाले जिनों में भी है और इंसानों में भी है। बात तर्जमा तो वादे हो गया। अच्छा, अब मुझे इजाजत दीजिए कि मैं अभी तमहीद मंदिर तमहीद में हूं कि शर आया किसी और वसीले से। अच्छा, तो वो भी तो किसी और के वसीले से आया था, वो जिसने शर फैलाया। अच्छा, ऐसा ऐसा है या नहीं? इबलीस खुद तो पैदा नहीं हुआ, अल्लाह ने पैदा किया तो पैदा हुआ, लेकिन अजीब बात यह है कि कुरान मजीद ने कहा कान में जिन, वो जिनों में से था। इबलीस जिनों में से था, यानी अल्लाह ने इबलीस को इबलीस नहीं बनाया, जिन बनाया था। काना मिन अल-जिन फ़फ़ज़ख़ा अन अम्र रब्बिही, वो जिन था और उसने अपने रब के हुक्म की नाफरमानी की, तो इसलिए अल्लाह ने उसे धुतकार दिया। ठीक है ना? तो इबलीस कैसे गुमराह हुआ, ये सवाल है ना? अब एक आयत और सुनते जाओ ताकि तुम पे वादे हो जाए कि वो गुमराह हुआ तो कैसे हुआ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, भाई सुनना। कहने लगा कि बहुत तवील टुकड़े हैं आए मुबारका के, इसलिए मैं चाह रहा हूं कि कोई एक टुकड़ा मुझे आसानी से मिल जाए तो पढ़ के आगे बढ़ जाऊं। वशम से, चलो अब वशम से वजुहा, कसम है सूरज की और उसके गर्म वक्त की। वल वल कमर तला, कसम है चांद की जो सूरज के फौरन बाद आए। सूरज के फौरन बाद आए। वह शम से वजुहा वल कमर तला, आगे वह नहारे जल्लाहा, कसम है दिन की जब वो मुकम्मल तरीके से रोशन हो जाए। वल्लैले इज़ा यख्शाह, कसम है रात की जब वो मुकम्मल तरीके से तारीख हो जाए। वस्समाए वमा बनाहा, क्या अच्छा आसमान बनाया। वल अर्ज़ वमा तहाहा, क्या खूबसूरती के साथ अल्लाह ने इस जमीन को लुढ़का दिया। देखो भाई, ये याद रखना और ये याद रखने की चीज है कि जमीन में हरकत पाई जाती है और जमीन कोरवी है, कोरे की सूरत में है। ये दोनों बातें 19वीं सदी की हैं, इससे पहले किसी को पता नहीं था कि जमीन में हरकत पाई जाती है और वो कोरवी है। ठीक है ना? कुरान ने क्या कहा, और हमने क्या अच्छी तरह जमीन को लुढ़का दिया। लुढ़काने में हरकत भी है, गोलाई भी है।
ठीक है ना, वह नफ्सिंग व मासा बुआहा, हमने नफ्स को कितना अच्छा बनाया। आगे क्या है, बिल्कुल सही कह रहे हैं, फाल हमाहा फजू रहा व तकवाहा, और अल्लाह ने फिस्क व फजूर का इल्हाम उस नफ्स को कर दिया, तकवे का इल्हाम उस नफ्स को कर दिया। तकवा मौजूद था इंसान के अंदर, फुजूर मौजूद था इंसान के अंदर। अब कोई तकवे को अगर डेवलप कर ले मुत्तकी बन जाए, कोई फिस्क व फुजूर को डेवलप कर ले बन जाए। बातें हो रही है ना, तो इबलीस अपनी मंतिक और अपने फलसफे से गुमराह हुआ, इसमें मशीयत इलाही को कोई दखल नहीं है। यहां तक मेरे साथ आ गए। अच्छा भाई, अब फिर चलो आए मुबारका की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, कुल औज़ु बिरब्बिन नासे मलिकिन नासे इलाहिन नासे मिन शर्रिल वसवासिल खन्नासिल लज़ी युवस्विसु, कहां वसवसा करता है, सीनों में। जगह मुअय्यन की अल्लाह ने, इबलीस के वसवसा करने की जगह क्या है, सीना। ये ज़हन में रखना, इसलिए कि मैं इससे काम लेना चाह रहा हूं, और अगर उस आयत तक पहुंच गया तो मेरी मेहनत यहीं पे सवारत हो जाएगी। अच्छा भाई, तो युवस्विसु फी सुदूरिन्नास, इबलीस इंसानों के सीनों में वसवसा कर रहा है, यही है ना। अजीब बात यह है कि सूरह हुजरात 49वां सूरह, उस सूरह की एक छोटी सी आयत क्या है, कालतिल आराबो आमन्ना, अरब कहते हैं कि हम ईमान लाए। सुनना भाई बहुत आराम से और बहुत तवज्जो से साहिब मुबारका को सुनना। कालतिल आराबो आमन्ना, अरब कहते हैं कि हम ईमान ले आए, ईमान ले आए। कुल लम तुमिनु, हबीब उनसे कह दो कि तुम ईमान नहीं लाए हो। वो कह रहा है अरब कह रहा है कि हम ईमान ले आए, रसूल से अल्लाह का अहवाल है कि तुम ईमान नहीं लाए हो। फिर क्या लाए हो, वलाकिन कुलू असलमना, तुम कहो कि हम इस्लाम लाए हैं। हम ईमान नहीं लाए हैं, हम इस्लाम लाए हैं। वलम्मा यदखुलिल ईमानो फी कुलूबिकुम, और अभी तो ईमान तुम्हारे दिलों में भी दाखिल नहीं हुआ। लम्मा यदखुलिल ईमानो फी कुलूबिकुम, अभी ईमान तुम्हारे दिलों में दाखिल नहीं हुआ। कल्ब दिल, सदर सीना, भाई तवज्जो रहे भाई, बहुत बहुत तवज्जो रखना। कल्ब कल्ब सीना, जिसका वाहिद है, जिसका वाहिद कल्ब है और जमा है कुलूब, ठीक, और उसका वाहिद सदर है और उसकी जमा है सुदूर। सीना सदर, सीने सुदूर, कल्ब दिल, कुलूब बहुत से दिल। बात वाजे हो गई, बहुत तवज्जो रखना। तो ईमान की जगह क्या है ना,
ईमान की जगह कुरान की आयत है, ईमान की जगह दिल है और इस्लाम की जगह सीना है। तो अब मोमिन को और मुसलमान को अलग तो होना ही चाहिए। मुसलमान में और मोमिन में फर्क होना चाहिए ना। जब कुरान खुद कह रहा है कि तुम मुसलमान हुए हो, तुम्हारे दिल में ईमान अभी दाखिल नहीं हुआ। ईमान जाता है दिल में, तवज्जो रहे। इसलिए कि अब कुछ कहना चाह रहा हूं मैं, ईमान दिल में जाता है, इस्लाम सीने में जाता है। इतनी बात वादे हो गई। और दोनों आते जहन में रखोगे, दोनों आते हैं वहां कहा कि सुदूर इन्नास सीने में गुमराह करता है, सीने में गुमराह करता है। और यहाँ कहा कि ईमान अभी तुम्हारे दिलों तक नहीं पहुंचा। तो इतना तो तय हो गया कि मुसलमान गुमराह हो सकता है, मोमिन के गुमराह होने का इंकार नहीं है। अजीब है ना, कुरान ने कहा। मैं अपनी तरफ से तो कुछ नहीं कह रहा हूँ ना भाई, कुरान ने कहा कि मुसलमान गुमराह हो सकता है, मोमिन के गुमराह होने का इम्कान नहीं है। इसलिए कि उस दिल में अली की मोहब्बत है। ना और वक्त गुजरने का इंतजार करो। जाने कब कूफे से आ जाए सदाए मुख्तार, जितने शब्बीर के कातिल हैं गिरफ्तार करो। नारे बात अब यहीं से आगे बढ़ जाए तो समझ में आ गया कि गुमराह इबलीस करता है। और इबलीस गुमराह हुआ अपने इरादे से, ये याद रखोगे ना। ये तुम्हें इल्मे कलाम का बहुत दकीक मसला समझा रहा हूँ, इससे ज्यादा आसान में कर भी नहीं सकता। इबलीस गुमराह हुआ अपने इरादे से और पहला झगड़ा तुम्हारे बाप से हुआ। भाई आदम अलैहिस्सलाम पूरी इंसानियत के बाप हैं या नहीं? मेरे भी बाप हैं, तुम्हारे भी बाप हैं।
तो पहला झगड़ा इबलीस से हुआ, या इबलीस भाई अजीबो गरीब तरीके से परवरदगार ने कहा मा मना का अंतस जोदा लेमा खलक तो बेदैया, आए इबलीस तू इस आदम को सजदा क्यों नहीं करता। सुनो सुनो सुनो, तू इस आदम को, आए इबलीस तू इस आदम को सजदा क्यों नहीं करता, लेमा खलक तो बेदैया, इस आदम को मैंने अपने दोनों हाथों से बनाया। मैं जो लफ्ज था उसका तर्जमा मैंने कर दिया, अब मैं उस पर बात नहीं करूंगा कि वो हाथ थे क्या। अच्छा अजीब अजीब बहरा फिक्र है, या इबलीस मां मना का अंतस्जुद लेमा खलक तो बेदैया, ये आयत पे जाहिर है कि जब कुरान मजीद में मुल्ला आता है पढ़ता है या नहीं पढ़ता होगा ना, यकीनन पढ़ता होगा भाई, ठीक है या नहीं कि मुल्ला जब इस आयत तक आता होगा या इबलीस मा मना का अंतस्जुद लेमा खलक तो बेदैया तो इस आयत को पढ़ता होगा या नहीं, तो या इबलीस तो बहुत खुश होके कहता है और या अली कहते हुए मौत आती है। तुमने सुन लिया कुरान ने क्या कहा इबलीस से, कहने लगा परवरदिगार बात यह है कि खलकतहू मिन तीन व खलकतनी मिन नार, तूने उसे मिट्टी से बनाया है, मुझे आग से बनाया है, आग चूंकि अफजल है मिट्टी से इसलिए मैं इसको सजदा नहीं करूंगा। देखो इस्लाम बहुत बारीक है, कुछ समझ में आया, इबलीस की दलील सामने आ गई कि वो कहता है कि चूंकि मैं आग से बना हूं और आग मिट्टी से बुलंद है, ठीक, इसलिए मैं बुलंद होते हुए पस्त को सजदा नहीं करूंगा। भाई कैसे तय हुआ कि आग मिट्टी से बुलंद है, दलील क्या है? अब समझ में आया कि कैसे वो दरीज को मुराब हुआ, अब समझ में आया, यानी अजीब बात ही है कि अगर तुम देखो तो आग में जो चीज डालो जला के खाक कर देगी और मिट्टी रिस्क देती है। मिट्टी रिस्क फराहम करती है इंसान को, गजा फराहम करती है, इंसान को पानी फराहम करती है, बहुत कुछ जो कुछ भी इंसान को मिलता है ताम गजा के लिए और चीजों के लिए वो मिट्टी तो देती है ना। तो ये तय किया तुमने कैसे कि आग अफजल है मिट्टी कमतर है, भाई तवज्जो रखना, जैसे अब मैं आगे बढ़ रहा हूँ यहाँ से और मेरे पास अभी वक्त है, हाँ
तो झगड़ा तो हो गया। कहने लगा भाई सुनना, बस सुनना, इसलिए मैं अल्लाह और इब्लीस का मुकालमा आपको सुना रहा हूँ। मुकालमा, अब अल्लाह से गुफ्तगू हो रही इब्लीस की कि तूने मुझे आग से पैदा किया और आग अफजल है, इसलिए मैं इसको सजदा नहीं करूंगा। जबीन मशीयत पे शिकन आ गई, जला ला गया और कहा निकल मेरे दरबार से निकल। जानते हो क्या कहने लगा? रब्बे, भाई तवज्जो रखना, आए मेरे परवरदिगार, आए मेरे परवरदिगार, अल्लाह को मानता है। अल्लाह अल्लाह को मानता है। कहने लगा कि फबअथनी एला यौमे युवासून, मुझे उस वक्त तक की मोहलत दे दे जब कयामत होगी। कयामत को मानता है। इबलीस अल्लाह को मानता है, कयामत को मानता है। उसके उसूल दीन समझा रहा हूं। उसके उसूल दीन, इबलीस के उसूल दीन, तौहीद मानता है, कयामत मानता है। कहने लगा कि सबको बहका दूंगा लेकिन जो तेरे रसूल है उन्हें बहका नहीं सकता। नबुवत को भी मानता है। तो इब्लीस के उसूल दीन तीन, तौहीद, नबुवत, कयामत। भाई तवज्जो रहे, तौहीद, नबुवत, कयामत, और दो चीजों का मुनकर है। ना अल्लाह के आदिल को मानता है, ना आदम की इमामत को मानता है। भाई बहुत बहुत तवज्जो रखना, इसलिए कि दरमियान में जिक्र आ गया। मैं जिक्र खैर कहने जा रहा था तो जिक्र आ गया है तो कुछ जुमले सुनते जाओ, जाना तो आगे है लेकिन ये कि मरहले सर हो जाए और जरूरी है। अच्छा भाई, तो अब एक जुमला अर्ज करूं, वो सुने और उसे देखिए। ये जो जुमले है ना, मैं बेशतर जुमले तो कुरान मजीद से पेश करता हूँ आपकी खिदमत में, तो कोशिश करें कि उन्हें जहन में महफूज रखें। अगर रख न सकें तो उनका निशान याद रखें और जाने के बाद कुरान मजीद में उसको देखा करें तर्जुमे को कि मैंने सही तर्जुमा किया या डंडी मार दी। ठीक है ना? तो कुरान मजीद ने अजीब बात कही। इबलीस तौहीद मानता है, रिसालत मानता है, कयामत मानता है और कहता है कयामत तक की मोहलत दे दे। कहा जाओ, हमने तुम्हें वक्त मालूम तक की मोहलत दी, एक खास वक्त तक तुम्हें मोहलत दे दी। कयामत हफ्तों नहीं, कुछ दिनों, अब अल्लाह के इल्म है वो दिन कितने हैं, अभी तक तो चल ही रहे हैं, अभी तक तो चल ही रहे हैं। ठीक है ना? तो दिन चल रहे हैं, तुम्हें जाओ वक्त मालूम तक की मोहलत दे दी। एला यौमिल वक्त मालूम, हमने तुम्हें वक्त मालूम तक की मोहलत अता कर दी। जब मोहलत मिल गई तो अब उसके तेवर बदल गए। कहने लगा कि लअग्वियन्नहुम अजमाइन, मालिक तूने मुझे निकाल दिया है ना अपने दरबार से, तो जा रहा हूं।
आदम की सारी नस्ल को बहकाऊंगा। आदम की सारी नस्ल को बहकाऊंगा। लोवेयर नहूं अजमाइन 100% लोगों को बहकाऊंगा। इल्ला इबादका मिनहुल मुखलसीन। देखिए इल्ला इबादका मिनहुल मुखलसीन, जो तेरे मुखलस बंदे हैं, मुखलिस नहीं, मुखलिस का मानी जो खालिस हो, अल्लाह की बारगाह में नियाज रखने वाला हो, ये मुखलिस है। मुखलस जिसे अल्लाह ने खालिस बनाया हो। इबादका मिनहुमुल मुखलसीन। परवरदिगार जो तेरे मुखलिस तरीन खालिस तरीन बंदे हैं उन्हें बहका नहीं सकता। देखो भाई, शिकायत हमेशा अपनों से होती है, शिकायत हमेशा अपनों से होती है। अब मुझे हक है ना शिकायत करने का कि इबलीस तो उन्हें पहचान गया, आप अब तक नहीं पहचाने। भाई तवज्जो रहे, लओवेन हूं अजमाइन। भाई तवज्जो रहे, तवज्जो रखना, इसलिए बहुत नाजुक मरहले फिक्र है। मैं आदम की पूरी नस्ल को बहकाऊंगा, और एक जगह नहीं है जुमला कुरान में, कई जगहों पे है। लाहता ने करना जुर्रियता हूं इल्ला कलीला। जुर्रियत हूँ आदम की पूरी जुर्रियत को बहकाऊंगा। भाई आप जुर्रियत आदम में हैं या नहीं हैं? आदम की नस्ल है, आदम की जुर्रियत है। भाई आपका कोई झगड़ा है इबलीस से? नहीं है ना? मैं मेरा तो कोई नहीं है। हाँ, शख्सियतों पे झगड़ा हो जाए दूसरी बात है। लेकिन मेरा कोई झगड़ा इबलीस से नहीं है। तो ये मैंने क्या कसूर किया जो मुझे गुमराह करेगा? आपने क्या तफसीर की जो आपको गुमराह करेगा? तो आज समझ में आया कि इबलीसियत कहते किसको है। अगर नबी से इंतकाम न ले सको तो उसकी जरूरत से इंतकाम ले लो। अजीब 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 मरहला फिक्र है, अजीब मरहला फिक्र है। यहाँ तक आ गए, यहाँ तक आ गए मेरे साथ। अब मैं मकाम मोहम्मद की तरफ जा रहा हूँ, अब यहाँ से जा रहा हूँ। तो लेकिन एक जुमला कह के जाऊंगा कि अब वहां से जहाँ तुम्हारे बाप का झगड़ा हुआ आदम से, वहीं से निजाम हिदायत और निजाम गुमराही अलग अलग हो गए। वो गुमराही का ठीका ले चुका इबलीस।
अब अल्लाह ने अम्बिया और मुरसलीन को और अइमा को हिदायत के लिए मबूस किया हर जमाने में। सिर्फ तुम्हारे इमाम इमाम नहीं है, मूसा भी इमाम थे, ये ज़हन में रहे। और बड़ी इसराइल में बहुत इमाम हुए हैं, कुरान ने उनका तज़किरा भी किया है, ठीक है ना। तो अब एक हिदायत का सिलसिला चला, एक गुमराही का सिलसिला चला। और अब यहां तुम्हें रोकूंगा मैं, और रोकने के बाद कुछ अर्ज करना चाहूंगा। कहने लगा, देखो भाई बहुत ताबेदारी कर रहा था कि मुझे मोहलत दे दे, जब मोहलत मिल गई तो क्या कहने लगा, ला उदन्न लहुम सिरातकल मुस्तकीम, ला उदन्न लहुम सिरातकल मुस्तकीम, मैं परवरदिगार तेरी सिरात मुस्तकीम पे बैठ जाऊंगा। कहां बैठेगा? सिरात मुस्तकीम पर। वला उग्वियन नहूं, और उन्हें गुमराह करूंगा, अजमाई सबके सबको, इल्ला इबादक मिनहुमुल मुखलसीन। तवज्जो रखना, इसलिए कि ये वो मंजिल है जहां मैं तुम्हें रोकना चाह रहा हूं कि मैं बैठ जाऊंगा तेरी सिरात मुस्तकीम पर। सिरात मुस्तकीम पर, ये पर जो है ना, इस पर को अपने जहन में रखना, सिरात मुस्तकीम पर बैठ जाऊंगा और सारी नस्ल आदम को गुमराह करूंगा, बहकाऊंगा, और तू उन्हें अपना बेशतर शाकिर नहीं पाएगा, शुक्र करने वाले बंदे नहीं पाएगा, इतना गुमराह करूंगा उन लोगों को। तवज्जो रखना, इसलिए वो बारीक मरहले फिक्र है जहां मैं तुमको ले आया। सिरात मुस्तकीम पर बैठ के गुमराह करूंगा, यही है ना, इब्लीस का दावा यही है, सिरात मुस्तकीम पर बैठ के गुमराह करूंगा। भाई बहुत तवज्जो, बहुत तवज्जो। अच्छा भाई, इब्लीस सिरात मुस्तकीम पर बैठ के गुमराह करेगा, ठीक है ना। कभी तुमने कोशिश की कि कुरान मजीद से पूछोगे कौन सिरात मुस्तकीम पर है? कौन है? हम और आप सिरात मुस्तकीम पर हैं भाई। एक आयत सुनो कुरान की, बल्कि दो आयतें सुनो, एक सारे अंबिया के लिए, एक हजरत इब्राहिम के लिए। सारे अंबिया के लिए कहने लगा, फजतबैना हूं वहदैना हूं एला सिरात मुस्तकीम, हमने नबियों को मुंतखब किया और उनकी हिदायत की सिरात मुस्तकीम की तरफ। क्या किया मैंने? मैंने हिदायत की, किसकी? नबियों की। नबियों की हिदायत हुई सिरात मुस्तकीम की तरफ। और अब इब्राहिम अलैहिस्सलाम की आयत सुनते जाओ। इब्राहिम अलैहिस्सलाम का स्टेटस तो तुम्हें मालूम है कि रसूल अल्लाह को छोड़कर, पैगंबर अकरम को हटा के बाकी जितने अंबिया मुरसलीन गुजरे हैं दुनिया में, उन सबसे अफजल है हजरत इब्राहिम। कितनी बड़ी शख्सियत है। कहने लगा, इन इब्राहिम काना उम्मतन कानतन लिल्लाहि हनीफन वलम यकु मिनल मुशकीन शाकिरन लियनुमै इश्तबाहु व हदाहु इला सिराति मुस्तकीम। इब्राहिम ने जब बंदगी दिखलाई तो हमने उसका इज्तबा किया, मुंतखब किया, और उसकी हिदायत की सिरात मुस्तकीम की तरफ। कोई नहीं है सिरात मुस्तकीम पर, कोई नहीं है। इब्राहिम अलैहिस्सलाम तक की तो फेरिस्त में गिना दी, ठीक ठीक है ना। अच्छा, तो अब है कौन सिरात मुस्तकीम पर? अब आयत पढ़ूं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, यासीन, वल कुरानिल हकीम,
इन्नका लमिनल लमिनल मुरसलीना अला सिरातिन मुस्तकीम। पैगंबर कुरान की कसम के सारे रसूलों में फकत तुम सिरात मुस्तकीम पर हो। सारे पैगंबरों में फकत तुम हो अकेले सिराते मुस्तकीम पर। तो अब कौन रह गया सिराते मुस्तकीम पर? अकेले रसूल अल्लाह। मैं तलाश कर रहा था कुरान पढ़ते हुए तो मुझे एक और मिला। अब वो रिवायत सुन लो फिर आयत भी पढ़ दूंगा। रिवायत ये है कि हजरत अब्दुल्लाह इब्ने मसूद रजी अल्लाह तआला अन्हु एक दिन पैगंबर अकरम की खिदमत में आए और कहने लगे कि या रसूल अल्लाह, आप सिरात मुस्तकीम पर हैं लेकिन कुरान की एक दूसरी आयत में एक और शख्स को सिरात मुस्तकीम पर कहा गया, वो कौन है? वो कौन है? सवाल समझ लिया तुमने कि कोई और है और वो एक ही है, एक ही है और वो रसूल अल्लाह के अलावा सिराते मुस्तकीम पर है, ठीक है ना? वो कौन है? अजीब मरहले फिक्र है। अब मैं आयत की तरफ जा रहा हूं और फिर जवाब सुनाऊंगा पैगंबर गर्व का। जरब अल्लाह हो मसलन रजुलैन, अल्लाह तुम्हारे सामने दो मर्दों की मिसाल बयान करता है। अहदहुमा अबकमो, पहला जो है वो गूंगा है, ला यकदिरु अला शैइन, किसी बात पे कादिर नहीं है। वहुवा कल्लुन अला मौलाहु, अपने आका और मौला के लिए बोझ है। नमा युवजे हो ला जाते बखैर, उसका मौला उसे कहीं भी भेजे वो खैर लेके वापस नहीं आता, चाहे चाहे सूरह बरात ही क्यों ना हो। ये हो ला जाते बखैर, उसका मौला उसे कहीं भी भेजे वो खैर लेके वापस नहीं आता। हल यस्तवी हुआ, क्या ये शख्स उस शख्स के बराबर हो सकता है? हल यस्तवी हुआ वह मैं यामुरु बिल अदले वह हुआ आला सिराते मुस्तकीम, एक और है जो अदल पे कायम है और सिराते मुस्तकीम पर है। तो अब दो हैं सिराते मुस्तकीम पर, एक रसूल अल्लाह और एक को तलाश करना है कि वो है कौन, ठीक है ना? तो हजरत अब्दुल्लाह इब्ने मसूद ने रसूल अल्लाह से पूछा कि या रसूल अल्लाह, आप तो हैं सिराते मुस्तकीम पर, समझ में आ गया, सूरह यासीन में लिखा है, ये दूसरा कौन है जो सिराते मुस्तकीम पर है? इतने में अली के घर का दरवाजा खुला। और अली बाहर निकले
अब देखिए कोई साहब अगर आ रहे हैं, एक साहब बाहर जा रहे हैं या बाहर से अंदर आ रहे हैं, मुझे नजर आए, मैंने देखा, ठीक है ना, और फिर आपसे बातें करने लगा। ये तरीका है कि अगर कोई आए या जाए या सामने आ जाए तो तवज्जो होती है कि कौन आया कौन गया, है ना। तो जैसे ही अली निकले, इब्ने मसूद ने देखा अली की तरफ, देख लिया ना, और फिर मुड़े अब्दुल्ला इब्ने मसूद रसूल की तरफ कि या रसूल अल्लाह वो दूसरा कौन है जो सिराते मुस्तकीम पर आए। मुस्कुरा के फरमाने लगे, देख भी रहे हो और सुन भी रहे हो। कितने बजे बैठना था, कितना वक्त है, 10 मिनट, बस। ये तो जी 10 मिनट बाकी हैं, तो मैं करूं क्या करूं क्या, नहीं अब तो अब तो मैं नहीं पढ़ूंगा, जाहिर है। मैं वाकया ये है कि ये हर रात सही फरमा रहे हैं कि 10 मिनट से शायद बचे हूँ, और अभी गुफ्तगू अब तो मैंने शुरू की थी, बल्कि ये वो इंजन है जो गर्मी देर में होता है। ठीक है ना, बस मेरे अजीजों मेरे दोस्तों कुछ जुमले सुनो, अभी मैं फजाइल में हूँ, कुछ जुमले सुनो और उसके बाद कुछ जुमले मसाइब के भी अर्ज करूंगा और तकरीर तमाम हो जाएगी। अच्छा भाई, तो रसूल अल्लाह हैं सिरात मुस्तकीम पर और दूसरे अली हैं सिरात मुस्तकीम पर, इतनी बात तो तय हो गई, इतनी बात तय हो गई। ये जो तुम्हारा रसूल है ये बड़ा अजीब व गरीब रसूल है, ऐसा रसूल ना आया और ना आएगा, यानी सिर्फ रिसालत खत्म नहीं हुई, रिसालत के जितने दर्जे थे वो सब खत्म हो गए। इस नबी पर रिसालत के जितने भी दर्जे थे वो सारे के सारे खत्म हो गए, ये मैं कहना चाह रहा हूं। और अब मैं आया था पैगंबर अकरम की तरफ और फिर जाना था फजाइल की तरफ, तो फजाइल तो हो गए, फजाइल तो हो गए, लेकिन कुछ जुमले सुन लो तो अच्छा है। पैगंबर अकरम के मुताबिक तुम जानते हो कि उनसे बड़ा रसूल नहीं आया, उनसे बड़ा नबी नहीं आया, उनसे बड़ा इंसान दुनिया में पैदा अल्लाह ने नहीं किया, और शायद उसके इल्म में भी इससे बड़ा इंसान कोई था नहीं। इल्म इलाही की बात कर रहा हूं, शायद अगर होता तो भेज देता। अजीब अजीब सूरत हाल है ना, मैं कैसे आपकी खिदमत पे अर्ज करूं। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम कोई छोटी शख्सियत नहीं है, बहुत बड़े नबी हैं, बहुत ही बड़े,
और इतने चहीते हैं कि कुरान भरा हुआ है उनकी गुफ्तगू से और अल्लाह की गुफ्तगू से। बहुत बहुत जगहों पर कुरान मजीद ने उनके कलाम को कोट किया है और अल्लाह का जवाब भी कोट किया है। तो मूसा अलैहिस्सलाम यकीनन बहुत बड़ी शख्सियत है, लेकिन आपका क्या ख्याल है कि मूसा की हिम्मत है कि रसूल के बराबर खड़े हो जाए? अब मैं मजबूर हूँ कि दो आयतों में मुआवजा करूं और फिर मैं तकरीर खत्म कर दूं। मूसा अलैहिस्सलाम से परवरदगार ने कहा, इज़हब इला फिरौन इन्नहु तगा। मूसा जाओ फिरौन के दरबार में, उसने बड़ी सरकशी इख्तियार की है। काला मूसा बोले, रब्बी शराली सदरी वयस्सिरली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हु क़ौली वज़अल्ली वज़ीरन मिन अहली हारून अखी। जो मूसा ने कहा था वो पूरा पूरा मैंने सुना दिया। मूसा जाओ फिरौन के दरबार में, उसने बड़ी सरकशी इख्तियार की है, उस पर हिदायत करो। का परवरदगार रब्बी शराली सदरी मेरे सीने को खोल दे, वयस्सिरली अमरी मेरे काम को आसान बना दे, वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हु क़ौली मेरी जबान की गुत्थियों को खोल दे ताकि लोग मेरी बात समझ सकें, वज़अल्ली और मुझे दे दे एक वजीर मेरे खानदान से, मुझे दे दे एक वजीर मेरे खानदान से। कौन? हारूना नाम भी लिया, फिर रिश्ता भी बताया, अखी वो मेरा भाई है। सुन लिया तुमने मूसा अलैहिस्सलाम की दुआ को? सुन लिया ना तुमने? कद ओती था सो लगा, जा मूसा, जाओ मूसा, हमने तुम्हारी ये सारी दुआएं कबूल कर ली। हारून, हारून तुम्हारा भाई है लेकिन तुम्हारा वजीर है और तुम्हारे साथ जाएगा, ठीक है ना भाई? बहुत तवज्जो रखना, बहुत तवज्जो रखना, इसलिए बहुत बारीक मंजिल फिक्र है। रब्बी शराली सदरी वयस्सिरली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हु क़ौली वज़अल्ली, बना दे वज़ल बना दे ली मेरे लिए वजीरन एक वजीर, मिन अहली मेरे खानदान से, नाम हारून, उसका नाम हारून है, रिश्ता क्या है, अखी वो मेरा भाई है। सुन लिया तुमने? अब मैं पैगम्बर अकरम की दुआ आपकी खिदमत में पेश करना चाह रहा हूँ और बात यहीं अब गालिबन रुक जाएगी। कुल, रसूल कहो, यानी ये वो रसूल है जो अपनी मर्जी से दुआ तक नहीं मांगता। देख रहे हो ना, ये अजीब रसूल है, अपनी मर्जी से दुआ तक नहीं मांगता। रब्बे अदखिलनी मुदखल सिद्क़िन, परवरदिगार मुझे सच्चाई के साथ दाखिल कर दे शहरे मदीना में, वह अखरिजनी मुखरज सिद्क़िन, और सच्चाई के साथ निकाल दे शहरे मक्का से। वजाल, देखो आप लफ्ज़ को लफ्ज़ से मिला लेना, मूसा के अल्फाज को और रसूल अल्लाह के अल्फाज को, वजाल ली और बना दे मेरे लिए, मिन लदुन का अपने पास से, मिन लदुन का अपने पास से बना दे। क्या बना दे? सुल्तानन एक ताकतवर, नसीरा मददगार। रसूल अल्लाह ने अल्लाह से मदद नहीं मांगी, मददगार मांगा है। चरण चरण करी करी, चार चार करी करी।
ये जुमला तुम्हारी समझ में आया कि रसूल ने अल्लाह से मदद नहीं मांगी? या अल्लाह मदद का कोई जवाब नहीं है? अगर मदद करता भी है तो वसीले के जरिए करता है। कभी कभी फिर सही जमाने ने मोहलत दी तो मैं अर्ज करूंगा कि वसीले के जरिए कैसे मदद करता है। और मदद के लिए अल्लाह ने उसूल क्या बनाए हुए हैं, ये मसाइल हैं जिन्हें मिंबर से डिस्कस होना चाहिए और कभी करूंगा, लेकिन आज तकरीर को इस मरहले पर इख्तिताम पजीर कर रहा हूं कि जो शख्सियत है पैगंबर अकरम की, मैं क्या करूं आपकी खिदमत में, चलूं को भाई परसों है, एक ही रात रह गई ना, चलूं में एक ही रात रह गई, अगर यूं तो आले मोहम्मद में कौन ऐसा है जो रसूल की छवि ना हो, लेकिन अगर मुकम्मल छवि देखनी हो तो हुसैन इब्न अली को देखो। शिमर इब्न जौशन जब हुसैन इब्न अली का सर कलम कर रहा था देखो दो चार जुमले शहजादी सकीना के लिए कहूंगा, लेकिन ये जुमला सुन लो। जब सर कलम कर रहा था तो उसने देखा कि हुसैन के लबहाए मुबारक हिल रहे हैं। उसने अपने कानों को मुतवज्जे किया कि हुसैन इस वक्त क्या कह रहे हैं। शिमर कहता है के हुसैन एक शेर पढ़ रहे थे, तरकतुल खलका तुर्रन फी हवा का, परवरदिगार मैं पूरी मखलूक को सारी दुनिया की मखलूकात को तर्क करके तेरी मोहब्बत में तेरे पास आ रहा हूँ, वह आए तमतुल आयाला लेके आरा का, और अब मुझे सकीना की असीरी की परवाह नहीं है। बात उस बच्ची तक आ गई ना, साहेबे इकलीलुल मसाहिब ने एक रिवायत लिखी है जो मैंने बारहा पढ़ी और अपने सुनने वालों तक वो रिवायत पहुंचाई के सुनो भाई, पढ़ना तो नीचे आ रहा था लेकिन रिवायत है तो पढ़ के मैं आगे बढ़ जाऊंगा, दो चार जुमले ज्यादा नहीं, के इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की शहादत के बाद, तुमने सुना होगा चादरें लूट ली गई सैदानी होगी, ये तो मशहूर है ना, बहुत मशहूर है, बच्ची के गोशवारे निकाल लिए गए। मुझे ये बता सकते हो कि वो गोशवारे कैसे निकाले गए? उतार के नहीं निकाले गए, खेच के निकाले। खेच के निकाले गए। बच्ची, अब सुनना भाई सुनना, बच्ची सो रही थी हुसैन इब्न अली के लाशे के करीब। अब मैं नहीं समझता कि वो सीने पर सो सकी हो, लेकिन सीने पर इतने तीर थे कि सोना मुमकिन नहीं था। कहीं कहीं सो रही होगी,
इतने में फौज यजीद के कुछ लोग गुजरे और उन्होंने देखा कि हुसैन की बेटी छोटी सी बच्ची उस हो रही है लाशे के करीब, तो आए और कहने लगे कि बच्ची छोटे बच्चे लाशों के करीब रातें नहीं गुजारा करते। जाओ अपने बुजुर्गों के पास जाओ, अकेली अकेली रात में अकेला बच्चा लाशे के करीब रात नहीं गुजारता। बच्ची ने रोके कहा मेरा बाबा भी तो कह रहा है ना। फौजियों ने फिर समझाना चाहा बच्ची को, बच्ची रोने लगी, कहने लगी कुछ काम करने हैं, वो काम कर लूं फिर मैं चली जाऊंगी। कहा बेटी तेरा काम क्या है जो तू करने के लिए रुकी हुई है। कहा मेरे बाबा का लाशा उड़िया है, मैं दरख्तों से पत्ते चुन के लाऊंगी, अपने बाबा के लाशे पे डालूंगी, मेरे बाबा को किसी ने कफन नहीं दिया, मैं कोई चादर तलाश करूंगी, अपने बाबा को कफन दूंगी, और मेरे बाबा की नमाज जनाजा नहीं हुई। आखिरी जुमला सुनो, मेरे बाबा की नमाज जनाजा नहीं हुई, मैं रास्ते में जाके बैठ जाऊंगी, शायद मुसलमानों का कोई काफिला गुजरे तो मैं आवाज दूंगी काफिले वालों गरीब मुसलमान दुनिया से गुजर गया है, आकर उसकी नमाज़ दे देना।